जीत गया। अब ये सारी गोटियाँ मेरी है। डंक डका 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 डंक डका डका गोटी। ए, 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 ए। क्या हुआ रे? उधार दो। अरे मैं कोई बैंक हूँ जो तुझे उधार दे दूँ? कोई उधार उधार नहीं मिलेगा, चल फुट। सुन, अगर नहीं दिया तो मैं छीन लूंगा। ए पप्पू, पहले अपनी पैंट की जिप लगाना तो सीख ले, फिर छीनने की बात कर। बड़ा आया मुझसे भिड़ने वाला। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उलझने की? अमर अकबर एंथनी राम श्याम भीम सब यहाँ आओ। ए फिल्मी कीड़े, तू मुझे डराएगा क्या? एक बार पीछे मुड़ के तो देख, डराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिम्मत है तो मुड़। अच्छा तो ये है तेरी बंदरों की सेना। अभी मिलाता हूँ तुझे मेरे हीरो से। आंखें उसकी शेर जैसी, चीते से भी ज्यादा तेज, जिसे देख के अच्छे अच्छे हो जाते हैं ढेर। आ रहा है मेरा शेर। अगर हिम्मत है तो मेरे दोस्त को हरा के दिखाओ। इज्जत के लिए लड़ जाओ, कट जाओ, मर जाओ, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है कि चाहे जो भी हो जाए सर मत झुकने देना और नाक मत कटने देना। लेकिन इन बच्चों की लड़ाई में पढ़ के हम कौन सा अपना इज्जत बचा रहे हैं? ये हमें शोभा नहीं देता। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं माने। नहीं माने तो? अयाज खान, सबसे पहले तुझे फोड़ूंगा।
एक अकेली महिला का कत्ल, एक और अबला नारी क्रूरता की शिकार हुई और जान से हाथ धो बैठी, काफी दर्दनाक मौत है। इस खून के साथ 9 हत्याएं हो चुकी हैं। इससे महिलाओं में बहुत ही दहशत फैली हुई है और ये पुलिस के लिए बहुत चुनौती हो गई है। थू, ये सन की खूनी का पता ही नहीं कितने लोगों को मार देगा। हे भगवान, आप इसे उठा क्यों नहीं लेते? सोमो, जरा शंकर को बुलाओ। शंकर, शंकर साहब आपको बुला रहे हैं, चलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते कैसी तैसी, पता है टाइम क्या हो रहा है? 10:30 बज रहे हैं सर। 10:30 बज रहे हैं? हाँ। अलसी कहीं के, जिंदगी में आज तक कभी टाइम पे स्कूल पहुँचे हो? तुम तो निकम्मे हो ही, पढ़ाई से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। कम से कम अपने चेले को तो पढ़ने दो। सर, मैं किसी का चेला वेला नहीं हूँ, मैं अपने स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, हमेशा 100 out of 100 लाता हूँ। सच में? हाँ। मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन पता है उन जीरोस के आगे एक नहीं है सर। सोमो, जरा मुझे कुछ देना। ये लीजिए। चल बेवकूफ कहीं के। पूरा सफेद अब्बास मस्तान की चचा लग रहे हैं। वार्डन लक्ष्मी प्रसाद सिंह आप ही है ना? हाँ मैं हूँ, बोलिए क्या काम है? क्या काम है? ये कातिल जो शहर में अकेली महिलाओं को मारते घूम रहा है, हमें शक है कि वो आप ही हैं। आइए। तुम हो, मेरी तो डर के मारे जान निकलने ही वाली थी। मैंने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा और तुम कहते हो कि मैंने अकेली औरतों का खून किया। क्या बात करते हो, चलो बैठो बैठो। बैठिए, आप भी बैठिए ना। बैठिए। नमस्ते। कैसे हो तुम? चुप रहो तुम। पिछले 6 महीने से तुम्हारी यही बकवास सुन रहा हूँ कि आज मिलूंगा कल मिलूंगा, लेकिन तुम मिलते ही नहीं हो। बिल्कुल हमारे देश के नेताओं के जैसे हो गए तुम, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे बस करो, कितना डांटोगे? जब से आए हो तब से सिर्फ डांट ही रहे हो दोस्त। चाय कॉफी वगैरह कुछ पूछोगे कि नहीं? अरे डांटने के चक्कर में भूल गया था। सोम, सबके लिए चाय लेकर के आओ। वैसे ये लोग कौन है? वो है SSLC, मतलब समाज सेवक, जनहितेशी, भूतपूर्व मेयर सुंदरेश। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। ये है श्रीनिवास और आप हैं उनकी पत्नी। नमस्ते। नमस्ते मैडम। वो क्या है ना, 18 साल पहले इन लोगों ने अपने बेटे को दशहरे के मेले में खो दिया था। ओह, तब से ये लोग बेऔलाद हैं। अब किसी ट्रस्ट के ये श्रीनिवास भाई साहब वाइस चेयरमैन है। शक्कर तो नहीं डाला ना? नहीं। ठीक है। बेटे को ढूंढने की इन्होंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि SSLC साहब ने भी मदद की। अब ये इनकी फूटी किस्मत है या हमारे डिपार्टमेंट की लापरवाही, लेकिन अभी तक इनकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। तो 2 दिन पहले ही मैंने इनकी फाइल फिर से ओपन की है, पर मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है कि वो बच्चा आपके ही अनाथालय में हो सकता है। अब आपको इसका पता लगाना है। ओके, आपके पास आपके बेटे के बचपन की कोई तस्वीर है क्या? हाँ। दिखाओ। है ना, है ना बहन जी? आपके पास फोटो है ना? हाँ, वो दिखा दीजिए। दिखाओ। ये लीजिए। आपके पास 18 साल पुरानी रिकॉर्ड बुक्स हैं क्या? हाँ हाँ है। मेरे पास सारे रिकॉर्ड साल के हिसाब से रखे हैं। उस बच्चे का नाम क्या बताया जी? भारत। ये देखिए। दिखाइए तो। ये देखिए, ये लीजिए।
अरे बाप रे, ये तो वही है। भारत, 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 अरे, हमारा भारत। लेकिन यहाँ तो शंकर नाम लिखा हुआ है। उसे उसका नाम याद नहीं था, मैंने शंकर रख दिया। एक मिनट रुकिए। यहाँ ये उसके पास से मिला था। हाँ जी, हाँ, उसी का है। ये उसी का है। ये जो है ना, वो उस दिन इसे खरीदने की बहुत जिद कर रहा था। ये मेरे बेटे का ही है। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? भरत, भरत, शांत शांत हो जाइए। कहाँ है सर? एक मिनट सुनिए तो, रुकिए रुकिए। भरत, सोमा। हाँ साहब। शंकर कहाँ है? वो ट्यूशन के लिए गया है, अब सीधा शाम को आएगा। ट्यूशन गया है? ट्यूशन कहाँ जाता है वो सर? हम उसे वहीं जाकर मिल लेंगे सर, प्लीज सर। बताइए ना सर, कहाँ है वो? कूल, जरा धीरज रखिए। मैं आपकी ये बेचैनी और ये उत्सुकता समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ 18 साल इंतजार किया है, वहाँ शाम तक का इंतजार नहीं कर सकते? कर लेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया तो लक्ष्मी जी का कीजिए, SSLC का कीजिए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। सुनिए, सारी फॉर्मेलिटीज प्लीज अपनी तरफ से कर देना और इनका बेटा इनको वापस लौटा देना। यस सर। क्या यार, आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास नहीं गए क्या? अरे यार, ये सब तो चलता रहेगा। चलाते रहो, समझ में नहीं आता कौन हमें उल्लू बना रहा है, ये लड़कियां या दुनिया वाले। हाँ, लेकिन वो बचा ले रे भगवान। पता है तू बिल्कुल मेरी तरह बात कर रहा है। अरे मैंने तो ये सब तुमसे सिखा है ना। ओ, इधर आ। क्या यार, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तथास्तु। अरे अरे मेरा भुट्टा वापस दे दो। अरे मुझे समय तो हो चला है। शंकर, ये लोग कौन है रे? ये लोग हमें देखकर इतने खुश क्यों हो गए बता? भरत, कैसे हो मेरे बच्चे? अरे यार, ये तो हमारी ही तरफ चली आ रही है। भरत, भरत, मेरे बेटे, मेरा बेटा, ये सब क्या है? कैसे कौन है? हम हैं बेटा, बचपन में बिछड़े हुए तुम्हारे माँ बाप। क्या, मेरे मम्मी पापा? हाँ। और ये भरत, भरत क्या है? मेरा नाम शंकर है। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम शंकर है, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरे भरत ही हो, मेरा प्यारा बेटा। ए, सुना नहीं, पागल हो गई ये क्या? मैं भरत नहीं, शंकर हूँ, शंकर। भरत, तुम अपनी माँ पर ऐसे गुस्सा क्यों रहे हो? हम ही तुम्हारे माँ बाप है बेटा। अरे आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कोई भरत भरत नहीं हूँ, शंकर हूँ। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे मम्मी पापा जिंदा भी है या मर गए। अगर जिंदा हुए भी और मुझे कभी मिल गए ना, तो मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। भरत, देखिए आप लोग शांत हो जाइए, मैं इसे समझाता हूँ, बुरा मत मानिएगा। शंकर, तुम अपने माँ बाप से इस तरीके से बात करने के बारे में भी कैसे सोच सकते हो? क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? गलती मेरी नहीं है सर, मैं कब से इनको बोल रहा हूँ कि मेरा नाम शंकर है, भरत नहीं है, लेकिन ये लोग समझ ही नहीं रहे। सर, मेरे माँ बाप मेरा ख्याल नहीं रख पाए, इसलिए मुझे वो बचपन में ही छोड़कर चले गए। सर, आपने मेरा ख्याल रखा, इसलिए आप ही मेरे माता पिता हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं हुआ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं छोड़ा। आज से 18 साल पहले दशहरे के मेले में तुम खो गए थे, और तब से इन लोगों ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। क्या ये जानते हो तुम? ऐसा मत कहिए सर, इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए आज अमीर है। हम अमीर हैं? ऐसा तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि बाहर कार लगी हुई है बेटा। तुम गलत सोच रहे हो बेटा, जिंदगी चलाने के लिए मैंने सड़कों पर, त्योहारों में, घर घर जाकर, हर जगह थोड़े थोड़े रुपयों पैसों के लिए मैंने कपड़े बेचे हैं बेटा। हर गली में तुम्हारी फोटो दिखा दिखा कर तुम्हें हर जगह ढूंढा, कितने व्रत रखे, न जाने कितनी मन्नतें मांगी, मैं तुम्हें एक पल नहीं भूल पाई मेरे बच्चे। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? शंकर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं शंकर हूँ और जिंदगी भर शंकर ही रहूंगा। ठीक है बेटा, तुम खुद को शंकर ही कह रहे हो,
तो हम भी तुम्हारी खुशी के लिए शंकर ही बुलाएंगे तुम्हें। चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। तैयार हो जाओ किस लिए? घर जाने के लिए। अपने घर जाने के लिए बेटा? यही मेरा घर है और मैं यही रहूंगा। हाँ बेटा, अभी तक यही तुम्हारा घर था, लेकिन अब से। लेकिन अब से आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? हमारा घर तुम्हारा ही तो है। ओह, मुझसे पूछे बिना जायदाद भी मेरे नाम कर दी क्या? सुनो शंकर, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। कोई भी माँ बाप अपनी इच्छा से अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। नियमों के हिसाब से इस उम्र के बाद तुम अनाथ आश्रम में नहीं रह सकते हो। ओ, अगर आपको भगाना था तो साफ साफ बोल देते ना। ये अचानक आप नए नए रूल्स क्यों बना रहे हैं बताओ? शंकर ऐसी बातें मत करो बेटा, तुम्हें खोकर हम वैसे ही बहुत दुखी थे, हमें और दुखी मत करो बेटा। अब चलो। अपनी माँ की बात मान लो बेटा, इतनी जिद मत करो। जिंदगी का हर पल इसी विश्वास में गुजारा कि एक दिन तुम हमें जरूर मिलोगे, और आज मिले हो तो तुम यही रहना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। शंकर, मेरे बच्चे। शंकर, बेटा शंकर। सुनिए, आप बस मुझे 2 दिन दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। अब आप लोग जाइए प्लीज। ठीक है सर, हम चलते हैं फिर। चलो चलो। बेटा, तुम्हारे माँ बाप बहुत ही महान हैं। पिछले 18 साल से वो लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। ये उम्मीद ही तो प्यार है। तुम्हें इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, ये तुम्हारा कर्म है। वैसे तुम्हारे असमंजस और परेशानी को मैं समझता हूं बेटा, भले ही तुम अनाथ आश्रम में पले हो, लेकिन मैंने तुम्हें शिक्षा तो अच्छी दी थी ना बेटा। अगर तुम मेरा आदर करते हो, अनाथ आश्रम का आदर करते हो, अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो अपने माँ बाप को दुख मत पहुंचाओ और उनके पास वापस चले जाओ। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम उनका दिल नहीं तोड़ोगे। सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरे लिए आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरी मां भी हैं। हम जैसे अनाथों के लिए आप सब कुछ हैं। माँ बाप के साथ कौन नहीं रहना चाहता है सर। मुझे दुख है कि इतने सालों में उन्होंने मुझे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। आप बस मुझे 1 हफ्ता दीजिए सर, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज सर। शंकर शंकर। आ जाओ। ये है हमारा घर, ये हॉल है, इधर आओ। ये है किचन, ये है डाइनिंग रूम और ये है गेस्ट रूम। क्या हुआ बेटा, थक गए हो क्या? ठीक है, ऊपर चले जाओ, वो पहला कमरा तुम्हारा है। जाओ थोड़ी देर आराम करो, फिर हम साथ में लंच करेंगे। हा? हाँ, जाओ बेटा थोड़ा आराम कर लो। बंटी, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या?
नहीं सर, मुझे नींद नहीं आ रही है। मच्छर मारने का कोयल जलाया? जलाया सर। पर वो क्या है ना, वो क्या है ना, क्या बात है वो सर? शंकर। ओ शंकर, क्या हुआ उसे? सर आप मुझे बातों में मत उलझाओ। बकवास मत करो तुम, हाथ जलाऊं तुम्हारा क्या? सर मुझे ना शंकर से बात करनी है सर। समझ गया, अभी वो सो गया होगा, कल सुबह तुम्हारी बात करवाता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, शंकर इतनी जल्दी कभी नहीं सोता। जाए कि नहीं? फोन कहाँ गया? हेलो 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 सर, नमस्ते। नमस्ते, कितने बजे पहुंचे तुम? बस सर मैं एक घंटा पहले ही पहुंचा, SSLC नाम का बेवकूफ था उसने देर करा दी। इससे अच्छा पैदल आते तो जल्दी पहुंच जाते सर, वो इतना स्लो कार चला रहा था कि मैं क्या बताऊं। ए प्यार से बात करो, मम्मी पापा पास में नहीं है क्या? दोनों पास में ही, फोन देता हूँ। लीजिए। हेलो सर, मैं लक्ष्मी बात कर रहा हूँ। पहचान लिया सर। सर वो थोड़ा सा मुंहपट है, उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। बुरा क्या मानना सर, वो तो बच्चा है। आपने खाना खा लिया सर? सर सर, हेलो, मुझे दीजिए ना। एक मिनट रुक सर, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आप बोलिए आप बोलिए। मैंने तो पहले ही बोला, मैंने आपसे पूछा आपने खाना खाया नहीं, और आप कह रहे हैं मैं फिर से बोलूं? आप कहीं पिए हुए तो नहीं है ना? चुप नहीं बैठ सकता? नहीं नहीं मैंने आपको नहीं कहा, आप बोले सर। ये बंटी भी ना शंकर से बात करनी है कि रट लगाए बैठा है, क्या करूं, उसको फोन दे दीजिए। हाँ हाँ देता हूँ। शंकर बेटा, शंकर सर प्लीज, ये लो तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ सर बोलिए। शंकर ये बंटी तुमसे बात करना चाहता है। हाँ दीजिए ना सर। लो शंकर। हेलो हेलो शंकर, शंकर क्या यार तूने मुझे फोन भी नहीं किया? क्या यार, अभी तो एक घंटे पहले ही पहुंचा, सोचा था तुझे कॉल करूंगा लेकिन मुझसे पहले तूने ही कर दिया। हाँ यार अब तो तुझे तेरा परिवार मिल गया ना, अब मेरी जरूरत नहीं है तुझे। ए बकवास मत करा तू। ए शंकर, तुझे वहाँ अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है ना, आज तेरी माँ ने क्या बनाया? ला फोन दे इधर। हेलो हेलो, तुझे तो खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, चल जा जा जाकर सो जा। सर शंकर अगर उसे रोकता नहीं तो वो तुझे सारी रात पका डालता, बहुत रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ, बाद में बात करेंगे। गुड नाइट सर। तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हारी बात हो गई? गुड, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। शंकर अलमारी में कंबल है, खिड़की के पास किताबें भी हैं, पानी भी रख दिया है, अगर कुछ चाहिए तो मांग लेना, हिचकिचाना मत। गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ से तो कोई दिख नहीं रहा। नहीं, किसी और रूम में जाकर देखना पड़ेगा। यार वो कोई बात नहीं, कल फिर से देखने की कोशिश करूंगा। कैसे हो चाचा, बीन्स कैसे दिए? बीन्स 40 रुपए किलो। अच्छा, 1 किलो टमाटर, 1 किलो गाजर, ठीक है, और ये पालक भी देना। ठीक है। एक मिनट, हाँ हमारे सर की फोटो यहाँ कैसे? इधर देख भाई, मैंने इसे कल भी देखा था, ये हमारे एरिया की लड़कियों को घूर रहा था भाई।
सब्जियां बास्केट में डाल दी? हाँ डाल दी, 134 रुपए। 134 रुपए? हाँ चलता हूँ चाचा। हाँ ठीक है। ए मुर्गन क्या काम कर अपना। सब्जी ले लो, सब्जी, आलू टमाटर प्याज, सब्जी ले लो। ए, तुम मेरी सब्जियां क्यों चुरा रहे हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, पागल हो क्या? जहां से सब्जी लिया वहां रख दे, वरना ऐसा फोड़ूंगा कि पहचान में नहीं आएगा। क्या यार, तू तो फोड़ने की बात कर रहा है, फोड़ के तो बता। फाइटिंग में मैंने पीएचडी की है और उससे मैं बोर हो चुका हूँ। जिस स्कूल में तुम लोग पढ़ते हो ना, उस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। क्या देख रहे हो दोस्तों, चलो से सबक सिखाते हैं। हाँ चलो चलो चलो, चलो। पीछे हटो, पीछे हटो, सब पीछे हटो। क्या हो रहा है यहाँ? सर वो ना इसने। ए, तुम चुप रहो। क्या ये? ए छोटू, तूने इसकी सब्जी क्यों ले? ला इधर, चला। शंकर ये सब क्या हो रहा है? तुम आखिर इन लोगों से उलझते ही क्यों हो? चलो बैठो पीछे। ए सुनो, ये मेरा रिश्तेदार है, समझ गए ना? ठीक है। चलो अब घर जाओ। ठीक जाओ, ठीक है। ज्यादा मटर गस्ती मत करना, किसी और ने इसको मजा चलाएगा। चलो अगली बार से। चलो यार से। हाँ चलो चलो। राय साहब। ओ हो हो, सुंदरेश आओ भाई आओ, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, पर प्रॉब्लम है, बताऊं क्या? अरे बाद में बताना, पहले चाय पियो। अरे नहीं नहीं राय साहब, मैंने ना मुंह धोया है ना स्नान किया है। हाँ तो क्या हुआ, चाय पीने के लिए मुंह धोने की जरूरत नहीं है, पीजिए। ऐसी बात है, लाइए। आपको कैसे पता चला मैं आने वाला हूँ? हाँ आप जब आधा किलोमीटर दूर थे ना, तभी मैंने आपकी बाइक की आवाज़ सुन ली थी और तभी चाय बनाना शुरू कर दिया था और आपके आने तक चाय बन गई। अच्छा राय साहब, खाना बनाते समय ध्यान रखना, नमक मिर्च मसाला तेल ये थोड़ा कम ही डालना। लेकिन क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं, ये शंकर थोड़ा गर्म दिमाग का है, ये तेल मसाला मिर्ची नमक थोड़ा कम खाएगा तो इसको गुस्सा थोड़ा कम आएगा। क्या हुआ सुंदरेश, क्या बात है? अरे हुआ कुछ नहीं राय साहब, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो क्या हुआ? क्यों भाग रहे हैं, चाय तो खत्म कर लीजिए। लक्ष्मी ये कोई आम आदमी नहीं है, दो दो बीवियों का प्यारा पति है। उनमें से किसी का फोन आ गया होगा इसीलिए ऐसे भाग रहा है। शंकर वो क्या कह रहे थे? कुछ प्रॉब्लम है बेटा? नहीं नहीं कुछ नहीं। शंकर ये रखो। मगर क्यों? ये डेबिट कार्ड है, जब पैसों की जरूरत पड़े तो इसमें से निकाल लेना। इसका पिन नंबर जानते हो? 0606। तुम्हारा बर्थ डेट बेटा। कुछ भी चाहिए तो हिचकिचाना मत, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ बेटा थैंक्स। हमेशा सीरियस बना रहता है ना, बिल्कुल गुस्से में। कहाँ गया होगा आखिर, कल तक तो मेरे साथ ही था। सुबह से कॉल लगा रही हूँ लेकिन मेरा कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रहा है ये। अरे मैंने कहा था उससे तुझसे रिश्ता ना रखे, लेकिन मेरी एक ना सुनी। अगर मेरे साथ होता ना तो ऐसे गायब होने की जरूरत ना पड़ती। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे पल्लू से बांध के रहता था। मेरे पास कभी नहीं आता अगर तुझ में ऐसी कोई बात होती, तेरे साथ तो वो हर हाल में आत्महत्या कर लेता। मेरा पति कितना अच्छा आदमी हुआ करता था, लेकिन जब से तेरा साया पड़ा है तेरे काले जादू से बेचारा छुपा छुपा रहता है। बेशरम कहीं की मेरे पति को अपना पति बुलाने की हिम्मत कर रही है। मैं क्यों ना हिम्मत करूँ, दूसरी पत्नी तू है उसकी, मैं नहीं हूँ, समझी? हाँ हाँ मैं ही हूँ, जन्मों से हमारा रिश्ता है। तू सर अब ये बूढ़ो मेरा दिमाग चलेगा। शो खत्म हो गया क्या? काका यहाँ आओ, लगता है कोई और शो दिखाएगा। कौन सा शो? वही शो, आपकी बीवियों का झगड़ा। मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, इसीलिए मैं दौड़ते हुए आ गया। देखिए मैं दौड़ते हुए आया तो मुझे कितना पसीना आ रहा है। अरे बुढ़ाओ तू मेरे मजे ले रहा है क्या?
एक फूंक मारूंगा तो पता नहीं कहां उड़ कर जाएगा। तू शो दिखा रहा है मुझे, एक कान के नीचे। इस बुढ़ऊ का क्या करूं, इतना बुढ़ा हो गया फिर भी धरती पर बोझ बना पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या खाता है। वाली कहां गई? उसके फ्रेंड्स ही दिख रहे हैं, कहीं कॉलेज तो नहीं गई? पता नहीं क्या कर रही होगी। क्या भाई, तुम तो सारा दिन साइबर कैफे में ही बैठे रहते हो, तो रिक्शा कब चलाते हो और लड़की कैसे पटा ली? कितने किस्मत वाले हो भाई। ये तो बस किस्मत का खेल है दोस्त, मैं तो बस उसके इशारों पे नाचता हूँ और मेरा भला हो जाता है। और अरे अरे अरे, अब अगला कौन होगा? अगला कौन, अभी भी ढूंढ रहा हूँ। अरे सर, आ गए। हाँ हाँ, ये सड़क पर बैठने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं सर, अरे जाओ एमएलए के घर जाओ, देर हो रही है। चलो। नमस्ते सर। हाँ सर, सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर क्या बात है, सुबह सुबह हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं? आपसे कम सर, आप बाइक पर जॉग करके पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं और हम ऐसे जॉग करके पसीना वेस्ट कर रहे हैं। अरे रे, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। सर मैंने आज टीवी में आपका इंटरव्यू देखा, आप जैसे महान लोग हमारे एरिया में रहते हैं। हम भाग्यशाली हैं सर। तो इस खुशी में चाय कॉफी या कुछ पिलाओगे कि नहीं? आजकल तारीफ करने का भी टैक्स लगता है। अरे रे, अच्छा आपकी पेंटिंग का काम कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, हाल ही सिंगापुर में एग्जीबिशन करके लौटा हूँ। अच्छा ये बताइए, श्रीनिवास सर कहाँ है? उनको बेटा मिल गया ना, तो आजकल खुशी मनाने में ज्यादा ही बिजी रहते हैं, इसीलिए बाहर नहीं निकलते। बेटा मिल गया? That's great. हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे फुर्सत नहीं है, शाम को पूरी कहानी बताऊंगा। अरे रे, मुझे एमएलए के घर जाना है, देर हो रही है, मैं चलता हूँ सर। All right, sir. Have a good day. Bye. मैं एसोसिएशन वालों को लिखकर भेज रहा हूँ कि अगले 6 महीने तक मुझे किसी फंक्शन में ना बुलाया जाए। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। एक बार शंकर यहाँ घुल मिल जाए तो फिर देखेंगे। पता नहीं हमारा बेटा कब हमें अपने माँ बाप की तरह समझेगा, कब हमारे प्यार को समझेगा। उस दिन का इंतजार करते मेरी आंखें तरस गई हैं। थोड़ा धीरज रखो, वो दिन भी आएगा। देखो प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले का प्यार पाया ही जाए, समझ रही हो ना मेरी बात? प्यार तो बिना शर्तों के होता है, जिसमें पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, प्यार में किसी तरह की शर्त नहीं हुआ करती। और फिर लक्ष्मी इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। इतने सालों तक उसके दिमाग में तो यही था ना कि हमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। बहुत जल्दी वो सब कुछ समझ जाएगा और हमें बस उस दिन का इंतजार। हाय अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप दोनों? अच्छे हैं बेटा, आओ बैठो। अंकल आपका बेटा कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। हम तो खुद चाहते थे कि तुम उससे मिलो, लेकिन तुम बिजी रहते हो। अंकल आप तो जानते ही हैं, पूरा का पूरा दिन मैं या तो म्यूजियम या फिर पेंटिंग। भरत? हाँ यही है भरत। हाय आई एम सचिन। हाय मेरा नाम भरत नहीं शंकर है। हमने इसका नाम बदलकर शंकर रख दिया। हाँ है। बदल दिया। यू मीन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, दैट्स ग्रेट। शंकर तुम बहुत भाग्यशाली हो, इतना प्यार करने वाले माता पिता मिले हैं तुम्हें। He's so sweet and caring. Anyways, I'll see you around. Hey, कम से कम कॉफी तो पी कर जाओ। अंकल, आज थोड़ा बिजी हूँ। अगली बार आऊँगा तो खाना खा कर ही जाऊँगा। See you. इसकी तो बात ही कुछ और होती है। ये
अरे राधिका, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा है कि वो मुझे एक नया मोबाइल फोन लेकर देगा, लेना चाहिए क्या? ले लो, नसीब से मिलता है ऐसा बॉयफ्रेंड। और देखो एक मेरा बॉयफ्रेंड है, एक आइसक्रीम भी नहीं खरीदी जाती मेरे लिए, खंजूस कहीं का। एक बार उससे शादी कर लो, फिर वो आइसक्रीम की दुकान ही खरीद लेगा, अभी भूल जाओ। शादी? नो चांस। इससे याद आया, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ क्या? ए, तुम लोग ज्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ। उसके मम्मी पापा ने मुझे देखा और वो हमारी शादी के लिए तैयार हो गए, समझे? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम खुश तो होगी ना? मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि उन्होंने शादी की बात की, पता है उनका घर महल से कम नहीं है। मैं तो उस महल के लिए खुश हूँ। तो अमीर मुर्गे को फंसाया है तुमने। ए पुष्पा, माधव नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो? अरे यार बहुत बोरिंग है, पूरा दिन काम काम काम। ना खुद रोमांस करता है ना मुझे करने देता है। उसे तो ये भी नहीं पता वैलेंटाइन डे क्या होता है, प्यार क्या होता है, रोमांस क्या होता है। रोबोट है रोबोट, दूर रहो तो ही अच्छा है। तो फिर फोन पे इतना सोनू जानू करके किससे बात कर रही थी? अच्छा वो तो अभी है। अभी? हाँ, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है, बहुत ही हैंडसम है। ओहो, तुम तो बहुत चालाक हो, एक जाता नहीं कि दूसरा पकड़ लेती हो। सुपर। ए, ये पीजी है या प्यार मोहब्बत का संसद? तुम में से किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जब देखो तब बस बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनसे हटके पढ़ाई भी कोई चीज होती है? हमारा मन करेगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। अब चलो अपनी लव स्टोरी सुनाओ हमें। मेरी लव स्टोरी? कहीं तुमने भांग तो नहीं पी ली? हाँ क्यों नहीं, वही समझ लो। तुम कैसे हर रोज चांद की तरह छत पे जाती हो और वो चकोर की तरह तुम्हें जी भर के घूरता है, सब पता है हमें, तुम्हारी छोटी सी लव स्टोरी। क्या यार, क्या बकवास कर रही हो? क्या हुआ, मैं सच्ची तो कह रही हूँ। नॉनसेंस। चिंकी 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 चिंकी। ए भाई पीछे देख, मुर्गा आ गया, आज तो इसको हलाल करेंगे। ए भाई, आज इसको छोड़ने का नहीं। अगर मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल नहीं होता ना, तो तुम लोगों की औकात बताता मैं। राय साहब, सामान क्यों बांध रहे हैं? कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं क्या? इलाज के लिए जा रहा हूँ। ओ, इलाज के लिए? क्या हुआ, क्या हुआ शंकर, इतना घबराए हुए क्यों हो? वहाँ
फिर से किसी से लड़कर आ रहे हो क्या? पड़ोस के घर में कुछ हुआ है। कैसी घटना हुई है? वहाँ खून के धब्बे थे, उसने किसी का खून किया है। चलो चलकर देखते हैं। क्या खून के धब्बे? ए सुबह सुबह ज्यादा पी लिया क्या? क्यों बहके बहके बातें कर रहा है तू? नहीं मैंने खुद देखा है। आइए चलकर पता करते हैं। चलो चलते हैं। लक्ष्मी तुम यहीं रुको, हम देखकर आते हैं। चलिए चलिए जल्दी आइए। चलो चलो। अंकल व्हाट अ सरप्राइज, आप सब यहाँ एक साथ, कोई खास बात? वो कुछ खास नहीं, लेकिन ये अपना शंकर, इसने तुम्हें बोरी खींचते देखा था और उसके ऊपर खून के धब्बे भी लगे हुए थे, तो हम थोड़ा डर गए थे इसलिए पता करने चले आए। ब्लड बैच कहाँ पर? शंकर कहाँ देखा था तुम्हें बताओ। इधर से खींच कर ले जा रहा था, यही मुझे खून के धब्बे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। खींच के कहाँ ले जा रहा था? यही यही बोरी को उसने डिक्की में रखा था। क्या तुम इस डिक्की की बात कर रहे? हाँ यही यही डिक्की। ओके। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा। नहीं मैंने अपने आंखों से देखा था। अगर बोरी डिक्की में रखी थी तो फिर अचानक कहाँ गायब हो गई? उसके पैर तो है नहीं कि मैराथन में चली गई। ए, कुछ भी बकवास करते रहता है। हाँ। शंकर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? अंकल ये ठीक तो है ना? सॉरी बेटा तुम्हें हमने गलत समझा। शंकर ऑल क्लियर या फिर कुछ और भी डाउट्स हैं बाकी? मत कीजिए। लोगों को कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोच लिया करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ओके सचिन मैं इसे समझा दूंगा, तुम इसका बुरा मत मानना प्लीज। नॉट एट ऑल अंकल, मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये शर्मिंदा ना महसूस हो। अंकल व्हाट अबाउट कॉफी? नहीं बेटा अभी अभी ब्रेकफास्ट के साथ कॉफी पी। अब तो इलाज के लिए जा रहा था तभी ये बहुत घबराया हुआ आया, हम तो बस देखने आ गए कि सब ठीक तो है ना। कॉफी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकल। शंकर हे शंकर चलो चलते हैं बेटा। गुड डे अंकल, सी यू यंग मैन। सर शाम को आप फ्री हैं क्या? शाम को बैठते हैं ना थोड़ा। ओके क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तो यहाँ था, अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया। ए, कौन हो तुम? तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ताड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है? बुलाओ बुलाओ अभी अपने मम्मी पापा को। अरे वो लोग हेल्थ कैंप गए हैं। ओह अच्छा, वो हेल्थ कैंप गए हैं और तुम यहाँ हेल्दी हो रहे हो? आवारा घटिया लड़की बास कहीं के, तुम इस सोसाइटी के लगते ही नहीं हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कल तक तो बस तुम मेरे ख्वाबों में ही करीब थी और आज असल में इतनी पास हो। हेलो मैं तुम्हें डांट रही हूँ और तुम हंस रहे हो? ये तुम्हारा लास्ट चांस है, आज के बाद ये पर्दा खुला ना स्टेशन पुलिस स्टेशन में मुलाकात होगी। हे यारू एक मिनट, दूर भी नहीं है गूगल, मेरा नाम कैसे पता चला? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, 18 साल पहले मैं एक मेले में खो गया था और वहां मुझे अकेला रोता देखकर तुम ही आई थी मुझे चुप कराने। फिर तुम मुझे उस वार्डन तक लेकर गई थी, इसी दूरबीन के साथ हम खेला करते थे, कुछ याद आया अरु?
शंकर, मैंने तुम्हें कितना डांट दिया ना, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? आरोही, तुमने डांटा कब? अरे कहाँ? तुम्हारा नाम शंकर नहीं रावण होना चाहिए। पता है, अनाथ आश्रम से जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कभी कभी मुझे इतनी याद आती थी कि मैं अकेले बैठ के रोया करती थी। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम मिली ही नहीं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे इतने सालों के बाद हम यूं मिलेंगे। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था आरू, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं तुम्हारी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखता था। कभी कभी लगता था कि तुम आरू नहीं हो, लेकिन आज तुम्हें इतने करीब से देखने के बाद ये कन्फर्म हो गया कि तुम आरू ही हो। आई एम सो हैप्पी टुडे आरू। आई एम सो हैप्पी टू मेंटल। तुम्हारी हंसी में एक अलग ही जादू है। ये पूरा का पूरा आसमान तुम्हारी एक छोटी सी हंसी के लिए तरस रहा है। तुम्हारे होने से ये रात कितनी हसीन हो गई है। ए, मस्का मत लगा, बहुत हुआ। रात हो गई, रात हो गई। हे आरू, अचानक क्या हो गया तुम्हें? बहुत देर हो गई मुझे। हे आरू, रुको ना, सुनो। हे आरू, कहाँ जा रही हो? रुको ना। हे सुनो, बहुत देर हो चुकी है, पीजी में एंट्री नहीं मिलेगी। पीजी? हे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? अगर पीजी ओनर को पता लग गया मैं तो गई, पैकअप हो जाएगा। हाँ, इतनी छोटी सी बात। हाँ, ये छोटी सी बात है। 5:30 बजे सुबह में मैडम चेकिंग के लिए आती है। अगर उन्हें पता चला कि मैं पीजी में रात भर नहीं थी तो वो मुझे बाहर निकाल देंगी। 5:30 बजे आती है ना, चिंता मत करो, 5 बजे तुम पहुँच जाओगी। लेकिन कैसे? बस ऐसे, यू डोंट वरी। चाय लोगी या कॉफी? हाँ? कॉफी रेडी। अच्छा, तो खाना बनाना जानते हो? हाँ जानता हूँ, क्यों पूछा? मुझे नहीं बनाना आता ना, इसलिए। सच में तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है। सच में? हाँ आरू, तुम्हारी स्माइल वाकई में बहुत प्यारी है। ओहो, तुम्हारे बाल भी बहुत ही खूबसूरत हैं। रियली? तुम्हारी आंखें भी मुझसे ऐसा लगता है कि कुछ कहती हैं। अच्छा, क्या कहती हैं? बताओ ना, क्या कहती हैं? आरोही, तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं करोगी ना? गुस्सा? मैं कुछ समझी नहीं। मैं अभी समझाता हूँ। अरे शंकर, तुम तो बहुत ही शैतान हो। हाँ आरू, शैतान होना ना सीधे होने से ज्यादा अच्छा है। ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। बस ऐसे ही? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ निशानी दो मुझे। हाँ, निशानी चाहिए? मेरी मुस्कान है ना। वो तो है ही, पर। ओहो, तो और क्या चाहिए? सुनो पागल, घर जाओ। अरे, एक तो इतने जोखिम उठाकर मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। हाँ तो मेरा तो हक बनता है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो अब जाओ यहाँ से। किसी ने कहा था कि सबर का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ तो फल ही नहीं है तो मीठे खट्टे का सवाल ही नहीं है। प्लीज आरू, टाइम वेस्ट मत करो ना। एक ही बात बोल बोल के तंग मत करो, चलो जाओ। ठीक है, जाओ, बाय। ओके, थैंक यू। इडियट, सुनो, पीजी में एक फंक्शन है, उसमें जरूर आना। ओके ओके, आ जाऊंगा। ओके बाय। भाई, हाँ, खाना लाया हूँ। चलो शुरू करते हैं। हाँ बैठ जा। हाँ भाई। ए, पानी निकाल। क्या हुआ भाई?
हमारा काम तो वहीं अटका पड़ा है। ऐसा क्यों? क्या लाया है? ये कबाब है? हाँ भाई, कबाब लाया हूँ। एक काम कर। बोलो ना भाई। कहाँ पर है वो? कौन भाई? शिवाजी नगर वाली? नहीं रे, माटुंगा वाली। बिस्मिल्लाह करते हैं पहले। ठीक है भाई। तू एक काम कर। हाँ। उसको उठा ले। उठाऊंगा भाई। तो पूरा काम इजी हो जाएगा। पक्का हो जाएगा भाई। उस लड़की का वीडियो भेज। हाँ भाई, भेजता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। तेरी हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। सॉरी भाई। चुपचाप काम पर ध्यान दे। ठीक है भाई। कबाब खाएगा क्या? नहीं भाई। चल निकल। अच्छा, सलाम भाई। क्या यार, तेरी ये रिक्शा ना हमेशा धोखा देती है। अरे इसे बदलता क्यों नहीं है भाई तू? हैं? अरे ये रिक्शा खराब हो गई। सही कहा। काम कैसे करेंगे? चलोगे क्या? ओ हेलो, मैं रिक्शा की बात कर रही हूँ। मुझे मालगुड़ी स्टेट पीजी जाना है, खाली है क्या? मैं ले तो जाता पर रिक्शा खराब हो गई है। एक रिक्शा को सब मिल के ठीक कर रहे हो? ओ माई गॉड। ठीक है, करो करो। क्या हुआ भाई, इतना नाच क्यों रहे हो? भाई पहली नजर में प्यार हो गया है। क्या भाई, तुमको फिर से प्यार हो गया? हाँ ना यार। भाई लोग, तुम लोग मेरा साथ तो दोगे ना? ओके ओके, चलो आ जाओ, धक्का मारो। चलो आराम से। अरे भाई, लड़की को ले जाना है। भाई भाई, अरे जोर से, जोर से मारना यार। क्या कर रहा है? खाना नहीं खाया क्या? जोर लगा के। मुझे क्या हुआ? प्यार हुआ, प्यार हुआ, पहली नजर में हुआ। तो बताओ दोस्तों, मैं कौन हूँ? रिक्शा ड्राइवर। अबे रिक्शा वाला बोलने का नहीं, जल्दी कर, लड़की चली जाएगी यहाँ से। कर रहे ना, चल मार धक्का। अरे चल ना। ओ माय गॉड, मैं इतनी लेट हो रही हूँ और एक रिक्शा भी नहीं मिल रही है। हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे मालगुडी सेकंड स्टेज पीजी जाना है, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? बैठिए। अबे ये तो निकल गई रे। चल चल चल, वो तो गई। अरे गई वो, अरे वो गई, अरे गई। नजर हटी तो समझ लो दुर्घटना घटी, इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त कुछ और ना सोचे। उसने तो मुझे धोखा दिया ही, पर तूने भी मुझे धोखा दिया। अरे अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए हो, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में हमने सचिन सर को बुलाया है, इस प्रोग्राम को हमें एकदम सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, कम ऑन कम ऑन, गेट रेडी। सर, भाई क्या लाया? ये सीडी लाया। ये जैस्मिन का है। दूसरी सीडी क्यों दूंगा भाई? कितनी बार बोला है तुझे, ऐसे हंसा मत कर, तेरी हंसी से मुझे चिढ़ आती है। सॉरी 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 भाई, दोबारा नहीं हंसूंगा। चल निकल। सलाम भाई, निकल। गुड टू सी यू मैम, प्लीज कम इन। हाय सर। आइए ना, बैठिए बैठिए ना। तो क्या लेंगे आप, कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, जब मैं आपसे मिली थी तो कहा था ना हम न्यू ईयर फंक्शन करने वाले हैं। हाँ हाँ, याद है मुझे। तो हर साल हम एक फेमस पर्सन को गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं, तो इस साल हम चाहते हैं कि आप हमारे चीफ गेस्ट बने। कम ऑन, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, आपको किसी क्रिकेटर या फिल्म स्टार को बुलाना चाहिए,
मैं चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं आ सकता। आप भी तो सेलिब्रिटी है ना सर, आप हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। एग्जैक्ट 10:30 प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, मैं तब आपको फोन कर दूंगी, तो आप आइएगा जरूर सर, प्लीज। प्लीज दो मिनट रुकना, सबके लिए मैं कॉफी लेकर आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है सर, आप हमारे फंक्शन में आ जाइए, हमारे लिए उतना ही काफी होगा। हम चलते हैं सर। थैंक यू। बाय सर। गर्ल्स, अब मैं पुलिस परमिशन लेने जा रही हूँ, और अब तुम लोग इस एरिया के सब लोगों को पर्सनली बुलाने चले जाओ। ओके ओके मैम, बाय बाय बाय। मैं इस तरफ जाती हूँ। हाँ, और हम लोग इस तरफ जाते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, ओके। देखो इसे, लेकर भी आई है तो बॉयफ्रेंड के घर लेकर आई है, झूठी कही की, मानती भी नहीं कि बॉयफ्रेंड है। चुप कर, चलो देखते हैं कि दिखता कैसा है। ओ, तुम भी इधर ही आ गई, आओ। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे साथ इतनी सारी लड़कियां हैं? हाँ तो? अरे कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दिल हम में से किसी पे ना फिसल जाए। मुझे पता है वो नहीं फिसल सकता। वो कॉन्फिडेंस तो देखो। शंकर, क्या यार, एक बेल में ही डर के भाग गया, शायद घर पे कोई नहीं होगा, बाद में आते हैं। शंकर, चेहरा देखो इसका, शंकर नहीं है तो कितनी दुखी लग रही है। शंकर, बस कर यार, पूरे मोहल्ले को बुलाना है क्या? चलो बाद में आते हैं। हेलो। हाँ पापा, बोलिए। शंकर, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? माँ कैसी है? माँ है क्या वहाँ? क्या कहा बेटा, एक बार फिर से बोलो ना। मैंने बस इतना पूछा कि आप कैसे हैं। शंकर बेटा, बुरा मत मानना, आखिर है तो तुम्हारी माँ ना, इसका दिल मोम जैसा है, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। पापा, मैं आपकी बात को समझता हूँ, बस एक दिन आप मेरे साथ नहीं है तो लग रहा है कि मेरी दुनिया अधूरी है। 18 साल बेटे के बिना मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीती होगी। हाँ, लेकिन उसे भूल जाते हैं, जो हो गया उन सबको जाने दो, एक नई शुरुआत करते हैं, आज के बाद से हम एक हैप्पी फैमिली है। हाँ पापा, विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हमने भी तो तुम्हें यही कहने के लिए फोन किया था बेटा, लेकिन तुमने तो हमें पहले विश कर दिया। Wish you very very happy new year बेटा। Thank you। वापस कब आएंगे आप? हम कल ही वापस आ रहे हैं बेटा, बस कल ही आ रहे हैं। Okay 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 पापा। Bye bye, bye. लक्ष्मी, तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ, इतने सालों के बाद बेटे के मुंह से पापा और माँ सुनने को मिला है। हाँ जी, इतने सालों के बाद आखिरकार मेरी मनोकामना भगवान ने सुन ही ली। अब जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं और बेटे को गले से लगाते हैं। चलिए। कैटरीना कैफ के लटको झटको को मात देने वाली पल्लवी का हम जोरदार तालियों से स्टेज पर स्वागत करते हैं। सर, आप यहाँ आए हमें बहुत खुशी हुई। Thank you, sir. My अरे माँ, पापा, लाइए मुझे दीजिए। सर, यही आपका बेटा शंकर है ना? है ना हैंडसम? सच कहूं तो आपका बेटा बहुत हैंडसम है। मैंने सही कहा ना मैडम? हाँ वो तो है। आइए अंदर आइए। हाँ चलिए चलिए। क्या बात है सर, न्यू ईयर के मौके पर अपने माँ बाप का कोई ऐसा स्वागत कर रहा है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। ग्रेट, आपका बेटा सच में कमाल है सर। अपना बेटा वापस पा लिया है, बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मंदिर जाके माथा टेकूंगी। शंकर, तुमने हमें अपना मान लिया, मुझे बहुत खुशी है, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है, ये मेरी खुशकिस्मती है।
बैठिए ना डॉक्टर साहब। सच कहूं इतनी खुशी में आपके चेहरे पे कई सालों के बाद देख रहा हूं सर। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर। बस उनकी दया है। आप लोग बात कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ए, मैं हूँ ना, तू क्यों बनाएगा कॉफी? कोई बात नहीं माँ, तुम आराम करो, मैं बनाता हूँ। वहाँ देखो, देखो, देख। आ जाओ, चलो। आज तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं। चल, ना छोड़ेंगे नहीं उसे। चल, चल। रुक, रुक। रुक, रुक, रुक। इधर बात कर। चल, 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 चल। पकड़ रुक, पकड़ उसे, पकड़। अबे रुक, पकड़, पकड़। हे, आने न पाए। रुक। हे, रुक, रुक। उसे छोड़ेंगे नहीं। पकड़ उसको। कहाँ पे रखा है? सर, सर, इसी डिक्की में सर। सुनो मिस्टर, तुमसे बात करनी है हमें। We have a small inquiry. Please cooperate with us. जरा अपने कार की डिक्की खोलिए। लेकिन बात क्या है सर? अंकल, what is this? वो क्या है ना बेटा, इस हेलो, मैं सब बता दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए, पहले डिक्की खोलिए। यही वो बॉक्स है सर, आप खुद खोल के देख लीजिए। क्या है इसमें? हाँ, मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। बॉक्स में एक लाश है, मैंने मैंने खुद देखा है। क्या ये सच है? लाश? What is this? Arun, come forward and search. Yes, sir. सर, इसमें तो एक बॉडी है सर, इसका हाथ भी दिख रहा है सर, जल्दी देखिए सर। ये रहा, इसने जो देखा वो लाश। ये मॉडल तो मैंने ही बनाया है और इसकी डिलीवरी टुकड़ों में ही होती है।
इसमें जान नहीं है? इसमें तो जान है लेकिन दिमाग नहीं है। ये लीजिए। राय साहब, मैंने कहा था ना कि इसे फिर से गलत फहमी हो गई है, पागलों की तरह बर्ताव करता है। चुप रहो यार। अंकल, आपको एक बात बता दूं, अगर इसने ऐसा दोबारा किया तो मैं इस पे मानहानि का दावा करूंगा। ऐसा मत कहो बेटा। सचिन, we are really very very sorry, माफी चाहूंगा। देखिए अंकल, हो सकता है आपका बेटा जेम्स बॉन्ड का चाचा हो, लेकिन एक बार दिमाग चेकअप भी करवा लीजिए। हीरो मत बनो, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, डिसेंट रहने का तरीका सीखो, नॉनसेंस नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर, एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर, नथिंग। एक रिक्वेस्ट है सर, बेवकूफ बच्चों की बातों पर अपना और मेरा टाइम बर्बाद मत किया करे। एनीवेज, मुझे ये डिलीवर करना है, क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल सर, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, अपने बेटे के दिमाग का इलाज करवाइए और साथ ही अपने दिमाग का भी। चलो बेटा चलते हैं। ये दिन आ गए हैं, ऐसे लोग भी पीछा करते हैं। बस देखते जाओ वो लोग क्या करते हैं। अच्छा ये बता, इनमें से तेरा दीवाना आखिर है कौन? वो तो मुझे पता नहीं है यार, पिछले एक महीने से ये नाटक चल रहा है। मानना पड़ेगा तुम्हें, हमसे यहाँ एक लड़का नहीं संभाला जाता और तूने ये पूरी की पूरी नाटक मंडली एक महीने से संभाल रखी है। कमाल हो यार तुम, शाबाश। होता होगा, ये लोग आदमी नहीं बंदर है, बंदर। सही पकड़ा है तूने, नाटक मंडली। हाँ, मजेदार है। अरे वार्डन का कॉल। हेलो सर। शंकर, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ। मुझे लगता है कि तू वहाँ जाकर हम लोगों को भूल गया। सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सब आपकी ही वजह से तो हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है शंकर, वो तो तुम्हारी किस्मत थी बेटा। पता है, वो तुम्हारे वो दोस्त की भी किस्मत बदल गई। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं सर? मैं फोन देता हूँ उसे, तू खुद ही उससे पूछ ले। ले बात कर, बात कर, बात कर। हेलो हेलो शंकर। हे, हेलो बंटी, क्या अच्छी खबर है? हाँ है ना दोस्त। अरे तू तो बहुत खुश है रे। ये सब तेरा आशीर्वाद है। अरे मुझे तो लग रहा था कि मुझे जिंदगी में कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा, लेकिन भगवान जी मुझ पर खुश हो गए। पता है उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया, उनके बच्चे नहीं थे। ओ, वो लोग अच्छे तो है ना बंटी? हाँ बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है, उन लोगों की किस्मत अच्छी है। ओए, मेरे पेरेंट्स तो यहाँ के नहीं है ना। मतलब फॉरेन फॉरेन के है। क्या बकवास कर रहा है, साफ साफ बोल ना। हाँ दोस्त, मेरे पापा ऑस्ट्रेलियन है, मेरी माँ इंग्लैंड की है। हमारे अनाथ आश्रम में एक यूनेस्को का प्रोग्राम हुआ था, उसमें वो चीफ गेस्ट थे। मेरी एक्टिविटीज देखकर वो मुझ पर फिदा हो गए और मेरे साथ एक हफ्ता भी रहे। अरे वाह। मुझे यहाँ पर छोड़ के जाने का उनका मन नहीं था और इसीलिए उन्होंने पीएम से लेके सीएम तक सबको पटा लिया और यहाँ तक के अपने वार्डन सर को भी पटा लिया। हाँ दोस्त, ऐसा सब कुछ हुआ। वाह क्या बात है बंटी, तू तो बहुत ही लकी निकला, सीधा जैकपॉट लग गया तुझे। अच्छा एक बात तो बता, कब जा रहे हैं उनके साथ विदेश? अब तो तू हम लोगों को भूल ही जाएगा। अरे ऐसा नहीं है रे दोस्त, वो लोग तो बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन मैंने भी उनको कह दिया कि मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा। उल्टा उनको कह दिया कि आप ही इंडिया शिफ्ट हो जाओ। वो दोनों मान गए हैं और जल्द ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छे बंटी, तेरी देशभक्ति देख के दिल खुश हो गया। अरे मैं क्या, मेरे दोस्त तू भी तो हमेशा यही कहता था ना, भारत जैसे पुण्य धरती पर पैदा होना भाग्य की बात है। अब तू ही बता दोस्त, मैं कैसे छोड़कर जा सकता हूँ ऐसी पावन धरती? मैं भी जिद पे अड़ गया, ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। ठीक है, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? अरे नहीं नहीं। ओके ओके, बाय बाय बाय। कैच पल्लवी। हाँ?
अभी के अभी अपना सामान बंद हो और इस पीजी को खाली करो। सुना नहीं क्या तुमने? पल्लवी, क्या बात है बताओ ना। इस महान लड़की को और कोई लड़का नहीं मिला, सचिन सर को इसने लव लेटर लिखा है। मेरी डायरी से इसने उनका फोन नंबर निकाला और उन्हें फोन करके तंग कर दिया है। उन्हें प्रपोज किया और ये धमकी भी दी कि अगर नहीं माने तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसकी हिम्मत तो देखो, ऐसी लड़की को मैं पीजी कैसे रख सकती हूँ। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वो तो सचिन सर थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी जगह कोई और होता ना तो बेइज्जत करके हमें सोसाइटी से बाहर निकाल फेंकता। ए, अब ये रोने का नाटक बंद करो। वो तो मुझे तुम पर दया आ गई थी इसलिए तुम्हारे लिए रेंट भी कम कर दिया और तुमने ऐसे एहसान चुकाया। मैडम प्लीज इस बार इसे माफ कर दीजिए। तुम तो चुप ही रहो, तुम मेरी टेंशन नहीं समझती। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो लोग तो मुझे ही कहेंगे, मुझे झेलना पड़ेगा। आगे से मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। ओके, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो सिर्फ इसे ही नहीं तुम सबको भी यहाँ से जाना होगा, समझ गए ना? नो प्रॉब्लम, थैंक यू मैम। शंकर, शंकर आ, ये क्या? सुनिए जी, सुनिए, सुनिए जी, हे भगवान, शंकर, शंकर क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसे क्या हो गया? अरे क्या हुआ बेटा? शंकर उठो, चलिए इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। इसे तो बुखार लगता है, क्या हुआ बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा। अरे चलो उठो उठो। लेकिन हुआ क्या था? क्या हुआ तुम्हें बेटा? यहाँ आराम से बैठ जाओ। बैठो, यहाँ बैठो, बैठे रहो। अब बताओ क्या हुआ तुम्हें? ये इस तरह से तुम नीचे कैसे गिर गए थे? वहाँ जमीन पर तुम कैसे पहुँच गए थे? क्या हुआ था बेटा? आप लोग मानेंगे नहीं अगर मैंने बताया तो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तुम पर नहीं तो हम किस पर भरोसा करेंगे? हाँ शंकर बोलो ना। एक्चुअली आज फिर से नई लड़की लेकर आया है। क्या रहा है? कर क्या रहा है? आप बोलिए, विश्वास हुआ मुझ पे? विश्वास हुआ बेटा, हमें तुम पर विश्वास है। लेकिन तुम मेरी एक बात मानोगे बेटा, तुम्हारे इस घर में आने के बाद से
हमने तुम्हें कभी किसी बात के लिए नहीं रोका, कभी तुमसे हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बात मानोगे ना बेटा? बोलिए ना। देखो शंकर, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। इतने सालों से तुम्हारे बिना जी जी कर हम रोज रोज मरते रहे हैं, और एक दिन तुम अचानक मिल गए और हमें हमारी खुशी मिल गई। उसे भूल जाओ, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है बेटा। अरे वो हमारा कुछ बिगाड़ेगा तभी चिंता होगी क्या? नहीं नहीं बेटा, लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? मुझे कुछ नहीं होगा। शंकर, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अब उसकी जासूसी नहीं करोगे। देखो मेरी बात मान लो बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरे बच्चे, बात मान लो ना। प्लीज शंकर। पेरेंट होने के नाते वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी चाहूंगी कि तुम उनकी बात मान लो। अगर इस दुनिया का हर इंसान बस अपनी अपनी खुशी के लिए जीने लगेगा तो बताओ इंसानियत कहाँ जाएगी? सच बताता हूँ, मुझे उससे कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके घर में कुछ तो गड़बड़ है, पर कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, मम्मी पापा भी करते हैं, लेकिन बिना प्रूफ इस दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा शंकर। आरुही, क्या तुम मुझ पे भरोसा करती हो? खुद से भी ज्यादा करती हूँ। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। बोलो। अगर उसकी जानकारी के बिना हम उसके घर में कैमरा लगा दे तो? ओह मस्त आइडिया है, लेकिन किसी के घर में कैमरा लगाना इतना आसान नहीं है। तुम चिंता क्यों करती हो, वो मैं खुद लगाऊंगा। हेलो पागल हो क्या? वैसे भी वो तुम्हारी जान का दुश्मन बना बैठा है, अगर तुम वहाँ गए और पकड़े गए तो आफत आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगी वहाँ कैमरा लगाने। क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, ये काम मैं ही करूंगी। अगर मान लो मैं पकड़ी गई तो किसी तरह मैनेज कर लूंगी। ये चुप करो, ये आइडिया मेरा है तो इसे मैं ही करूंगा। मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है। मेरे पीजी में एक पल्लवी नाम की लड़की है, उसे सचिन पे डीप क्रश हो गया था। उसने सचिन को कॉल करना शुरू कर दिया, फिर ये बात हमारे पीजी में पता चल गई। इस पे वार्डन ने ड्रामा क्रिएट कर दिया। तो उसका इस बात से क्या लेना देना है? अरे पागल, मान लो अगर मैं पकड़ी गई तो मैं कह दूंगी पल्लवी के बदले मैं उनसे माफी मांगने आई हूँ, और उनसे ये वो बोल के माफी मांग के निकल जाऊंगी। ठीक है? ये बहुत रिस्की है आरुही। ए तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह मैनेज कर लूंगी। वो मोबाइल फोन यूज नहीं करता है, हम लैंडलाइन से सारा गेम सेट कर देंगे। अब चलो पहले सारा जुगाड़ तो खरीद लें। बट ये हम तभी कर पाएंगे जब मम्मी पापा बाहर जाएंगे। ठीक है डन। ठीक है। वो फोन ही नहीं उठा रहा है। तुमने ठीक से देखा तो था ना वो घर पे था? हाँ यार, सुबह सुबह ही वो कहीं से वापस आ रहा था। ओके, क्या तुम्हारे मम्मी पापा घर पे हैं? वो लोग दो दिन बाद वापस आएंगे। थैंक गॉड। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। बेवकूफ, फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं उठाया ना? कहीं सो तो नहीं गया? हे, अंधा है या सड़क तेरे बाप की है, जान लेगा क्या? हेलो हेलो, सचिन वर्मा से बात हो सकती है? हाँ बोल रहा हूँ। सर मैं कला प्रेमी ट्रस्ट से बात कर रही हूँ, मेरा नाम कुसुम है। हाँ कुसुम जी बोलिए। हमने एक आर्टिस्ट हब बनाया है जिसमें पूरे भारत के 15 कलाकारों को मौका दिया जाएगा, और मुंबई से हमने आपको चुना है। ओ ये तो अच्छी बात है। क्या आज शाम में आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट मिल सकता है क्या? नहीं आज नहीं कुसुम, एक्चुअली मैं आज ही अहमदाबाद से वापस आया हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। लेकिन कल कैसा रहेगा? ओके सचिन, कल कितने बजे? शाम 7 बजे तक। ठीक है सचिन, लेकिन इसके लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। Where is your office? एड्रेस कहाँ का तू? राजेश्वरी नगर। हेलो हेलो सचिन। हाँ? आप राजेश्वरी नगर तक आइए, फिर हमें कॉल करिए, मैं वहाँ आकर आपको पिक कर लूंगी। होप यू डोंट माइंड। ओके कुसुम, वैसे आपके ट्रस्ट का नाम एक बार बताएंगे मुझे? कला प्रेमी ट्रस्ट सचिन। ओके फिर कल मिलते हैं। ठीक है सचिन, टेक केयर। यस या। क्या रे शाड़े, लड़की लेके अकेले घूम रहा है? जरा हमको भी मौका देना। कितने दिनों से इन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज तो आखिर में हाथ आ ही गए। इतने दिनों के बाद हाथ में आए हैं, आज तो इनको छोड़ेंगे नहीं। ये बच्चे, तुझे तो आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे रे,
तुझे काट काट के खाएंगे हम तो। काट देंगे। पकड़ो रे, पकड़ो। रोक, पकड़ो। आज तक मैं चुप बैठा था तो सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से, लेकिन आज इसे छेड़कर तुम लोगों ने गलती कर दी। एक औरत तुम सबके लिए बस मजा करने का एक जरिया है ना, तुम लोग असली मर्द नहीं हो। एक असली मर्द औरत पे जबरदस्ती होते कभी नहीं देख सकता। तुम्हें क्या लगा मैं अपने प्यार को छिड़ते हुए देख लूंगा? इससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमने इसे हाथ लगाने की बात की। अगर आज जवाब नहीं दिया ना तो आज के बाद मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैं अपने गुरु महादेव की कसम खाता हूँ, आज के बाद तुम लोग गलती करने के लायक नहीं बचोगे। आज तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। आ जाओ। क्या बात है। क्या बात है। अरे लेला छोड़ना मत उसे। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ। मैं तेरे सर पर पैदा मारू। ये ले एक और ले। भाई अपने एरिया में एक नया लड़का आया है, इन सबको उसने अकेले धोना। क्या बात है, एक और पैदा मारा। इन सबको? हाँ इन सबको भाई, ये तो बच्चे है रे। सर पे बैठेगा, चेयर पे बैठना। सॉरी भाई। ये जेरी को देख रहा है ना? हाँ भाई। बहुत चालाक चूहा है। टॉम जो है ना तुम्हारी तरह बेवकूफ है, सामने से आकर अटैक करता है। हाँ भाई। जबकि पीछे से अटैक करना चाहिए। पीछे से? जेरी को पकड़ लिया ना भाई। अरे एक तो क्या, 10 जेरी इसको। उस लड़की का क्या हुआ? वो भाई उसको भी जेरी की तरह पकड़ लो, दिमाग से काम लो। ठीक है भाई। जेरी की तरह। जैसा आप बोलो। कबाब खा के जाएगा क्या? नहीं भाई, चलता हूँ चलता हूँ। क्या बात है जेरी। क्या यार, वो तो अभी तक घर पर ही है। उसे एक बार कॉल करके रिमाइंडर दो। ठीक है, अभी करती हूँ। रिंग हो रही है। हेलो। हेलो सचिन, कला प्रेमी ट्रस्ट से बात कर रही हूँ। मैं कुसुम। हमारे स्टाफ सबका इंतजार कर रहे हैं, आप आ रहे हैं ना सचिन? हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ। ठीक है सचिन, जल्दी आइए, वैसे भी शायद बारिश होने वाली है। हाँ बस पहुँचता हूँ। ये लो, मैंने सब कुछ बैग में रख दिया है, मैंने जहाँ जहाँ बताया वहीं लगाना। ओके ठीक है, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे एडवेंचरस और यादगार दिन रहेगा। हेलो आरोही, मुझे सुन सकती हो? हाँ। अभी कहाँ हो तुम? टेरेस पर हूँ। ठीक है, आराम से कूदना। आउच। हे, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, जंप किया ना मैंने। क्या यार आरोही, तुमने तो सच में मुझे डरा ही दिया। मैं सुपर गर्ल हूँ, मेरी चिंता मत करो। अब तुम अगली छत पर कूद जाओ। हाँ दूसरी छत पर आ गई। एक दरवाजा दिख रहा है? हाँ यहाँ एक दरवाजा दिख तो रहा है। सुनो जरा ध्यान रखना, अगर वो वापस आ गया तो मैं फंस जाऊंगी।
काम करो, मैं पूरा ध्यान लगाए बैठा हूँ। दरवाजे पर पहुंच गई? हाँ हाँ, दरवाजे के पास ही हूँ। ध्यान से। हाँ, टॉर्च जला लो। यस यस यस। ए, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक मूर्ति थी यहाँ। ओके ओके, जस्ट बी केयरफुल। क्या हुआ? बिजली कड़की और मैं डर गई। डरो मत, आगे बढ़ो। आरोही। ए फट्टू रुको। ये इंसानों का नहीं भूतों का घर लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत अंधेरा है यहाँ। यहाँ तो बस सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। हेलो आरोही, हेलो शंकर, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये घर बहुत अजीब है। ओके, सबसे पहले तुम हॉल में जाओ। पूरे घर में सिर्फ सीढ़ियां हैं। ध्यान से, ध्यान से। इस घर में लगता है बल्ब भी नहीं है, कहीं भी स्विच दिख ही नहीं रहा है। शंकर मुझे बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मिल गया शंकर, लगता है मैं हॉल में पहुंच गई। ये रहा हॉल। अरे अरे रे, ये तो हॉल नहीं है। ओ नो। हाँ? अरे ये हॉल है कहाँ? ये मेन हॉल नहीं है। हॉल तो मिल ही नहीं रहा है। आरोही बी केयरफुल। यहाँ मुझे एक कमरा दिख रहा है। शंकर शंकर, ये सीढ़ियां तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। क्या जरूरत थी हमें जग्गा जासूस बनने की? क्या तुम हॉल में पहुंच गई? हाँ हाँ पहुंच गई, अब मैं कैमरा लगाती हूँ, यहीं पर लगा देती हूँ। हाँ एक मिनट रुको। हे ओ माय गॉड, यस। आरोही मुझे हाय करो। वेरी गुड आरोही, ये काम कर रहा है। हाँ मैं तुम्हें देख रही हूँ क्या? अब दूसरा कैमरा कहाँ लगाऊँ, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बोलो। हाँ हाँ, हॉल के दूसरी तरफ। हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक है। ओके, मैं दिख रही हूँ ना? हाँ ठीक है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट। किस तरफ बताओ? हाँ तुम्हारे बाएं कोने में, बाएं कोने में। हेलो आरोही जल्दी करो, मुझे कार की आवाज आ रही है। हेलो आरोही, वो आ गया, जल्दी करो। हाँ वो आ गया, अभी तो एक बाकी है, अब क्या करूं? हाँ? वो दरवाजे तक पहुंच गया, क्या कर रही हो तुम, जल्दी करो। ओह नहीं, ठीक है मैं निकलती हूँ, बाय बाय बाय। कौन है, कौन है वहां? अरे
अरे इस भूत बंगले से बाहर निकलना तो नामुमकिन है। आरोही, आरोही, आरोही तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो चलते हैं। आरोही तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो आरोही, आखिर हुआ क्या है? हे आरोही, अगर आज मैं मर गया तो इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आरोही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। कुछ तो बोलो आरोही। हाँ माँ, पापा, आप लोग यहाँ कैसे आए? पापा, माँ, पापा, क्या हुआ आपको? माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। माँ, आप किसी बात की चिंता मत करना। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ बातें करते हैं और दूसरे वो
जो अपनी बातों पे खरे उतरते हैं। तुम्हें पता है मैं कौन सी कैटेगरी का आदमी हूँ? छोड़ मुझे, हाथ मत लगाना मेरी आरुई को। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, वाकई में मजा आ गया। होश में आ गए, वेलकम बैक। ए मंकी किंग, कोशिश भी मत करना, भाग नहीं सकते। एक बार मुझे खोल दे फिर तुझे बताता हूँ। अरे इसीलिए तो बांध कर रखा है मैंने तुझे। मैंने तुझसे कई बार कहा था मुझ पर नजर रखना, जासूसी करना, मेरे बारे में पता करना, छोड़ दे मुसीबत में पड़ेगा, पर तूने नहीं सुना। यू मेड अ मिस्टेक, बिल्कुल टीचर सिमरन की तरह। अच्छा एक बात बता, तू आया ये समझ में आया? ओके, ये क्यों आया? देख तो कितनी बुरी तरह से पिट गया है, मानना पड़ेगा बहुत ताकत है तुझमें। छोड़ मुझे, मुझे सुनाई देता है, चिल्लाए मत करो। तुम्हारे पेरेंट्स वहां पर पड़े, देखो जरा, पापा मम्मी, मम्मी पापा, देखो 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 देखो। पापा माँ आप लोग चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को यहाँ से लेकर जाऊंगा। पापा आप तो आप मेरी बात मानते हैं ना कि ये कितना गंदा इंसान है? हाँ ट्रेलर देखना है, मैं हूँ ही, ऐसा करेगा? क्यों इतना नाटक कर रहा है तू? अच्छा छोड़, जाने दे, तेरी पूरी फैमिली यहाँ पर है, तो फैमिली पार्टी करें। अब बता किससे शुरुआत करते हैं, बता। छोड़ मुझे, चलो उससे शुरुआत करते हैं, ठीक है? नहीं सचिन, उसे हाथ मत लगाना, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे ये सारे काले कारनामे पूरी दुनिया को बता दूंगा। कहा ना मैंने, चिल्लाओ मत। आरोही, दिस इज माय ओटीबी, ऑपरेशन थिएटर मेरे प्यारे पेशेंट्स के लिए। यहाँ जितनी भी पेंडिंग्स है ना, सब मास्टरपीस है। वो देखो, वो है सुप्रिया टीचर, वो है पद्मा टीचर, वो है अनीता टीचर, वो है मीना टीचर, और ये वाली, ये है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिंधु टीचर। और वो जो खाली पेंडिंग है ना, वो सिमरन टीचर के लिए, वही है जिनकी वजह से आज मैं ऐसा बना हूं, सिमरन टीचर की वजह से। वो बाकी स्टूडेंट्स को सिखाया करती थी और उसने मुझे पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ सिखाया। वो मेरे साथ ही मेरा ही खेल खेलती थी। एक कंपास कटर के साथ मेरा ये ओटीपी शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है, देखो। लेकिन उस सिमरन टीचर की तरह आज तक मुझे कोई नहीं मिला। हाथ मत लगाना मेरी आरुई को। ए, वो तेरी आरुई नहीं, अब मेरी है। मेरी सिमरन टीचर है। इसका चेहरा, बाल, आंखें, ये नाक सब देखकर पेंटिंग बनाने का मन करता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसके जैसी है। अब मैं क्या करूं, तुम्हारी गलती है। तो शैल वी स्टार्ट? ओह एक मिनट रुको, कुछ तो मिसिंग है। देखो जो भी मैं करता हूं वो सब कुछ बिना सबूत छोड़े करता हूं। जस्ट टू मिनट्स, मैंने होलसेल से तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए प्लास्टिक शीट्स खरीदे हैं। आई बी बैक। शंकर, तुम मुझे मिस तो नहीं करोगे ना? मैं यू गया और यू आया। वापस आ गया, मेरी ज्यादा याद तो नहीं आई ना शंकर? हाँ
ज्यादा अकल आ गई तुझे? यहाँ बैठे बैठे अपनी गर्लफ्रेंड की पेंटिंग देखने के बजाय मुझे मुझे आंखें दिखा रहे तू? आंखें दिखा इस वक्त कौन टपक पड़ा? लगता है एक और पेंटिंग बनने वाली है यहाँ पर। पड़ा रहे यहाँ पर। इंस्पेक्टर, मैं आपको बुलाने ही वाला था। ये देखिए क्या किया, वो अंदर है, पकड़िए उसको। सर! इंस्पेक्टर, बंदे को एसीपी रिजवान अबू शेर कहते हैं। नाटक मत करना, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सरेंडर कर दो। करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। ये लीजिए पकड़िए। यही तो मेरी खासियत है। आपने सब नोट कर लिया? शंकर, रिलैक्स शंकर, वो लोग जल्दी रिकवर हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ए ठीक से बैठ शंकर, गुड वर्क, ब्रेव बॉय। डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहोगे? ए पिंटो, स्केच तैयार करो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। रमेश, सर मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाओ। हाँ सर। ठीक है, गुड। ए टोनी, इसको लेके जा। चल चल। आपको सूरज के रोशनी की अहमियत अंधेरे में ही पता चलेगी। हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। यह अंधकार पूरी दुनिया की रोशनी छीनेगा। पठान का दिमाग खराब मत करा। दिमाग खराब हो गया ना तो तेरी रोशनी गायब कर दूंगा, समझा? कम से कम अब तो सुधर जा। अब नहीं सुधरा ना तो यहाँ की पुलिस तुझे सुधार देगी। समझ गया क्या, या फिर से समझाओ? ए लेके जा इसको, चल निकल। चल चल। शंकर, कराटे, कुंग फू, बॉक्सिंग सब देख लिया और कर भी लिया। लेकिन हमने तेरी तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप मारते हुए किसी को नहीं देखा। ये सुनना, हम सब लोगों को भी ये जंप मारने की टेक्निक सिखा देना। ठीक है, प्लीज एक बार बताना।